नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। कानपुर देहात में हुए तीन पत्रकारों के ऊपर हुई एफआईआर के संबंध में केंद्रीय पत्रकार हेल्पलाइन एसोसिएशन व इलेक्ट्रॉनिक प्रेस क्लब द्वारा कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया। भारत में पत्रकारिता संकट के दौर से गुजर रही है। सच की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकारों पर दिनों दिन हमले तेज होते जा रहे हैं। भारत को पत्रकारों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक देशों की रैंक में रखा गया है। देश में हर साल सैकड़ों पत्रकार रिपोर्टिंग करते वक्त अपनी जान गंवा देते हैं। न्यूज कवर करते समय पत्रकारों को डराना धमकाना आम बात हो गई है। ऐसा ही एक मामला कानपुर देहात के अकबरपुर के सामने आया है, जहां पर एक एक कार्यक्रम के दौरान स्कूल के बच्चों को ठिठुरती हुई सर्दी में योगा और व्यायाम करते हुए ऐसी अवस्था में देखा गया। बच्चों के तन पर हाफ शर्ट हाफ पैंट के साथ योगा करते देखे गए। इसी सच्चाई को कानपुर देहात के तीन पत्रकारों ने ईमानदारी से मीडिया के जरिए आम करने की कोशिश की। इस पर नाराज कुछ अधिकारियों को यह बात नागवार गुजरी और उनके द्वारा सच्चाई दिखाने वाले तीन पत्रकारों के ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसी संबंध में कानपुर में इलेक्ट्रॉनिक रेस क्लब के कार्यकारिणी सदस्य एवं सदस्यों ने कानपुर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर मांग की उन पत्रकारों के ऊपर हुए एफआईआर को हटाया जाए। किस माध्यम से कानपुर बिहार में हमारे कुछ पत्रकारों के ऊपर मुकदमा किया गया। मुकदमा सिर्फ इस बात के लिए कर दिया गया कि उन्होंने सच्चाई दिखाने की कोशिश करी। बच्चे सर्दियों में योगा कर रहे थे और वहां पे मौजूद दूसरे आला अधिकारी जो भी थे वहाँ पे, वो पूरी पैंट शर्ट फुल मोजे के समय ग्लव्स लगा के योगा कर रहे थे। इसी बात को सच्चाई दिखाने के लिए हमारे कुछ इलेक्ट्रॉनिक चैनल वालों ने खबर बनाई। एक तरफ बच्चे जो है सर्दी में ठुठर रहे हैं, हाफ पैंट हाफ चड्डी बना के आप उनको योगा करा, दूसरी तरफ बड़े लोग जो सर्दी बर्दाश्त कर सकते हैं वो पैंट शर्ट पहन रहे। इसी संबंध में हमने ज्ञापन दिया है कानपुर के उनके माध्यम से, राष्ट्रपति को दिया है, प्रधानमंत्री को दिया है, गवर्नर को दिया है और मुख्यमंत्री को भी दिया है। उन लोगों पे बेवजह मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई आदमी सच्चाई दिखा रहा है और उसको आप प्रताड़ित करें और मुकदमा दर्ज करें, इसका मतलब चौथा स्तंभ जो है कमजोर हो रहा है। कहीं ना कहीं ये हिटलरशाही मानी जाएगी कि शासन और प्रशासन द्वारा पत्रकारों पर दबाव बनाकर ये कोशिश की जा रही है कि हम सच्चाई ना दिखाएं। जो सच्चाई दिखा रहा है प्रदेश में कई पिछले कई महीनों में देखा गया कि जो सच्चाई दिखाता है उसके ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर दिया जाता है। और हम ये शासन प्रशासन पास ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि कोई ऐसा काम ना करे कि चौथा खंभा जो है, फिर चौथा खंभा अगर स्ट्राइक पे आएगा या अगर धरने में जाएगा तो ये खराब बात हो जाएगी। किसानों के से बदतर हालात हो जाएंगे। किसानों का तो कुछ नहीं मामला है, लेकिन मीडिया अगर सच्चाई दिखाए और उसके खिलाफ अगर आप कुछ करते हैं तो ये गलत बात है। हम चाह रहे हैं कि मुकदमे वापस हो और पत्रकारों का सम्मान वापस हो। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।